मुखिया जी, आप अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मंत्री हैं और तलाक प्रमुख हैं, जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिला है उनको न्याय दिलाने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा कैसे अभियान चलाएगा और क्या रूपरेखा होगी आगे की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि तलाक जो है वो एक सामाजिक इशू है, राजनीतिक इशू नहीं है और एक सामाजिक कुरीति है। इसीलिए सबसे पहले हमारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई है और महिलाओं को हक दिलाने के लिए एक मुहिम हमने छेड़ी है। उसी का एक पार्ट हम लोगों को हमें जिम्मेदारी दी गई है अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से कि पूरे प्रदेश में हर ज़िले में जाकर के सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितने ज़िले में कितनी तलाक पीड़िताएँ हैं, उनकी सूची बनानी है। सेकेंड, उनको जो भी कानूनी मदद अगर चाहिए है तो हमारे थ्रू, हमारे मोर्चे के थ्रू उनको मदद कैसे मुहैया कराई जाए। तीसरी, उनको तलाक हो चुकी है तो उनके पुनर्वास का क्या स्कीम हम बना सकते हैं, उनकी दुख दर्द, उनकी तकलीफ पहले हम उनसे सुनेंगे, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है और सरकार से वो लोग क्या चाहते हैं, वो सब सजेशन बना के हम मोदी गवर्नमेंट को देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन सभी लोगों के पुनर्वास के लिए एक स्कीम, एक अच्छी योजना लागू हो, उनके छोटे बच्चे, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके स्वास्थ्य के लिए स्कीम लागू हो और साथ ही तलाक के ग्राफ में कमी आए, यानी कि अभी तक जो तलाकें हो चुकी हैं उसके आगे तलाक ना हो, उसको बैन करा जाए और उसके ग्राफ में कमी आए। इसके लिए जो सशक्त कानून बन रहा है, हम सभी लोगों को पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करना होगा ताकि कानून के डर से लोग तलाक ना दें। और साथ ही कलाम पाक का जो हिंदी तर्जुमा है वो लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उनको अवेयर करने के लिए छोटी छोटी गोष्ठियाँ और सेमिनार्स का आयोजन किया जाए, उनको तलाक की सूरह तलाक के बारे में बताया जाए ताकि उन्हें पता चले ये सबसे गलत काम है और अल्लाह ताला को सबसे नापसंद है। इसलिए इस्लाम में तलाक का कहीं कोई जिक्र और रोल नहीं है। तलाक पीड़ित महिलाओं को अल्पसंख्यक मोर्चे से भी कोई जोड़ने की योजना है? बिल्कुल है, हम लोग फ़ोन से मिस कॉल देकर के लगातार तलाक पीड़ित महिलाओं को अपना पार्टी से जोड़ रहे हैं, प्राथमिक सदस्य बना रहे हैं और बहुत भारी संख्या में पार्टी से तलाक पीड़ित महिलाएं जुड़ रही हैं और बहुत ही खुश हैं कि उनके लिए पहली बार किसी सरकार ने इस तरीके से सोचा और उनके लिए आगे आई है।